मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म संजू के ट्रेलर को और उसमें संजय दत्त के रूप में रणवीर कपूर को काफी सराहा गया, लेकिन वही ट्रेलर में संजय दत्त की जिंदगी की उतार चढ़ाव की झलक भी दिखाई गई कि कैसे वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की उन होटलों में भी रहे जहां से पूरा शहर दिखता है, और फिर वैसे जेल में भी जहां एक खिड़की तक नहीं थी। कब दिन हुआ और कब रात पता भी नहीं चलता था। जी हां, और इसी जेल की एक घिनौनी कहानी है जिसकी झलक ट्रेलर में दिखाई गई। जब जेल में बंद संजू के लॉकअप में अचानक से लैट्रिन का गंदा पानी भरना शुरू हो जाता है, वो चिल्लाते हैं लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं। पूरा कमरा गंदे पानी और बदबू से भर चुका होता है, और ऐसी हालत में इंसान क्या, एक जानवर का रहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी की एक काफी घिनौना सच था जिसे पर्दे पर पेश किया गया। इसकी सच्चाई याद कर आज भी संजय दत्त की रूह कांप जाती है। हालांकि फिल्म में यह कलर और प्रॉक्स की मदद से ही तैयार किया गया, फिर भी इसे देखना काफी घिनौना लगा। लेकिन जरा सोचिए कि हकीकत में संजय दत्त पर क्या बीती होगी। वैसे संजय दत्त ने कभी भी किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी और विदो विनोद चोपड़ा ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के लिए संजय दत्त से उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना के बारे में पता किया गया था। वैसे फिल्म में शायद ऐसे ही कुछ और खुलासे संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े हो सकते हैं जो आपकी रूह कपा दे। लेकिन एक बात तो कहना लाजमी होगा कि किस्मत कभी भी किसी भी इंसान को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचाने का मादा तो जरूर रखती है। प्लीज गिव योर ओपिनियन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।